अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलादीन शॉपिंग मॉल के पास। तो ये अलादीन शॉपिंग मॉल आपको जितना भी पीछे नज़र आ रहा है, सारा जितना भी है ना, ये सब डिमोलिश कर दिया गया है। और प्लस अभी जो है ना, काम बाकी है। तो जितना भी काम हुआ है, मैं आपको पूरी सूरत हाल दिखाता हूँ यहाँ की भी, और आगे चल के वो जितनी भी सूरत हाल है वो मैं सारी आपको दिखाता हूँ, जो जो जहाँ जहाँ तक काम हो चुका है। और वहाँ पर जो है ना, एंटी इंक्रोचमेंट टीम के जो है ना कुछ मेम्बरान्स आए हुए हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे और देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो चलिए मेरे साथ फिर निकलते हैं, देखते हैं कितना काम हुआ है। ये सारी स्टार्ट से जो है ना, मैं सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ स्टार्ट से, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है इसकी डिमोलिशन की, जो कि अलादीन शॉपिंग मॉल था, ये बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया है, बिल्कुल मलिया मेट कर दिया गया है। और यहाँ के दुकानदार कोई अब तो, यानी कि पहले तो दुकान का बड़ा रश रहता था, अब तो दुकान का रश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि फिर यहाँ पर जो है ना क्या काम की सूरत हाल है, बल्कि आप देख ही रहे होंगे कि कहाँ तक जो है ना काम स्टार्ट हो चुका है और ख़त्म हो चुका है तकरीबन ना, मलिया मेट हो चुका है, बस ये बेसमेंट रह गया है जो कि अभी आप देख रहे हैं। ये आगे की सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। ये दो दुकानें जो है ना, सफूरा गोट में रिम झिम टावर, सफूरा गोट में रिम झिम टावर के पास, टावर के अंदर जो है ना दो दुकानें खाली हैं, जो कि यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल के अंदर जिनकी दुकानें थी जो तबाह हो बर्बाद हो गई हैं, अगर वो किराए पर लेना चाहें तो उनके लिए जो है ना दो दुकानें खाली हैं यहाँ पर सफूरा गोट के अंदर है, रिम झिम टावर के अंदर, जो कि एक दुकान है 14x15 की है और एक दुकान है 15x17 की है। तो जिन साहब को जो यहाँ पे जो है ना बेरोज़गार हुए हैं या जिनकी दुकानें टूट गई हैं, उनको किराए पे दुकानें तो चाहिए होंगी, वो ढूंढ रहे होंगे, तो अगर उनको उनमें से किसी को चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर डाल देता हूँ, तो जिन साहब ने उनसे रब्ता करना है दुकान के लिए तो वो रब्ता कर सकते हैं। तो उनका नाम है अब्दुल वाहिद और उनका फ़ोन नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो वो वहाँ पर आप देख सकते हैं उनका फ़ोन नंबर और उनसे आप दुकान के बारे में, किराए के बारे में जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो आपको दुकानें दिखा भी देंगे, तो वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि जो दुकानदार यहाँ पे जिनकी दुकानें टूटी हैं वो किराए पे अगर दुकान ढूंढ रहे हैं तो एक सफूरा गोट पे रिमझिम टावर के अंदर दो दुकानें मौजूद हैं 14x15 और 15x17 की। तो अब्दुल वाहिद नाम के एक शख्स की हैं, तो वो इनको जो है ना किराए पे, अगर कोई दुकानदार जो है ना किराए पे लेना चाहे तो वो उनसे रब्ता कर सकता है, उनका नंबर, फ़ोन नंबर जो है ना उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दुकानदार जो है ना मुजाहरा कर रहे हैं और देखते हैं कि वो किस के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, दुकानों के लिए, मुआवजे के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो इनसे किसी से बात करेंगे तो बात के दौरान ही पता चलेगा कि ये किस लिए मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो अलादीन शॉपिंग मॉल के जो सदर हैं जावेद साहब, तो ये अभी हम इनसे बात करेंगे और इनसे इनका मौकफ लेंगे, तो देखते हैं कि ये अपना क्या मौकफ देते हैं। सामने आप पीछे मार्केट देख रहे हैं, ये पूरी जो मार्केट की है, तो ये इसके जो है ना सदर हैं जावेद साहब, तो इनसे जो है ना इनका मौकफ लेंगे, तो देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। अभी ये बातचीत कर रहे हैं किसी और से, देखें तो देखते हैं क्या बोलते हैं ये। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बाकी यहाँ के जो सदर हैं जावेद साहब, जो मार्केट के जो सदर थे, उनसे तो बात करते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो अभी थोड़े से मसरूफ़ है बात करने में। तो जो दुकानदार यहाँ पे खड़े हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि जो इनकी कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर थी और किस किस्म की दुकान थी और कितनी एस्टिमेट था, कितना एस्टिमेट था इस दुकान का, तो उस बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपकी ये अलादीन शॉपिंग मॉल के अंदर कौन सी दुकान? हमारी ये दुकान G25 थी, अलाउद्दीन गारमेंट्स। ये तकरीबन बुक कराई थी 23 साल पहले, बुकिंग के वक्त जब ये ऑफिस बना हुआ था उसमें बुकिंग के वक्त कराई थी। ये कौन सी, ये किस चीज की आपकी दुकान? गारमेंट्स की शॉप थी, बच्चों के गारमेंट्स की शॉप थी। इसके कंपनसेट दें, मुकाबले में कोई दुकान दी जाए या फिर मुआवजा दिया जाए कि हम अपना काम कर सकें, बच्चों के पेट पाल सकें। किससे कर रहे हैं?
चीफ जस्टिस से भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, और जिन इदारों ने किया उन पे कार्रवाई की जाए या वो कंपनसेट करके दे हमें। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरा नाम बदुल हसन खां है और मेरी दुकान का नंबर G25A है। ये दुकान हमें 20 साल पहले अलाट हुई थी, इसकी रजिस्ट्री हुई थी। इस बिल्डर ने 95 में ये ज़मीन ख़रीदी थी, गवर्नमेंट ने इसको ऑथेंटिकेट किया था, गवर्नमेंट ने इसकी रजिस्ट्री करी थी। इस ज़मीन पर फिर बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, शॉपिंग सेंटर बनाया, उधर गवर्नमेंट ने इसका साथ दिया, इसको इस पर बुकिंग कराई गवर्नमेंट के साथ मिलके बिल्डर ने। और हम लोगों को अगर कुछ भी इल्म होता तो हम इसका नहीं ख़रीदते, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया गया। गवर्नमेंट ने और बिल्डर ने मिलके हमारे साथ ये बिल्डिंग हमें यह अलॉट किया, गवर्नमेंट ने हमें ये ऑथेंटिकेट किया, हमने इसको ख़रीदा। जब हमने इसके पैसे दिए, सब कुछ किया, 20 साल हमने इस पर मेहनत करी है, अब 20 साल के बाद इनको याद आ रहा कि गैरकानूनी है। गैरकानूनी हमारे लिए तो नहीं ना, हमने तो पैसे दे के ख़रीदी है। गैरकानूनी जिसने ये काम किया, गवर्नमेंट ने ये काम किया, गवर्नमेंट ने ये क्यों कराया? गवर्नमेंट ने 20 साल तक इस पर क्यों नहीं अमल किया? 20 साल पहले इस पर क्यों नहीं कहा कि ये गैरकानूनी जगह है? उस वक्त गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कहा कि ये गैरकानूनी जगह, इस पर आप ना खरीदें? हमें यह खरीद 20 साल तक इस पर मसरूफ रखा, अब 20 साल के बाद कहते हैं कि यह गैरकानूनी खाली करें, तो हम क्यों खाली करें? हमें इसका मुआवजा दिया जाए, और वो भी इस वक्त के हिसाब से, क्या इस वक्त जो सबकी वैल्यू है उसके हिसाब से इसका मुआवजा दिया जाए। वरना अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका बेड़ा गर्क करेगा जिन्होंने यह हमारे खिलाफ काम किया है। चीफ जस्टिस ने एक साइडेड फैसला क्यों किया? उसको फैसला ये किया चाहिए कि ये इन्होंने कहा कितने खरीदी है। ये चीफ जस्टिस ने नहीं दी थी ज़मीन, चीफ जस्टिस से पहले 20 साल पहले चीफ जस्टिस कहाँ गए थे? ये बताइए, हमने 20 साल पहले ये खरीदी, 20 साल तक ये लोग क्या करते रहे? 20 साल से पहले इन्होंने क्यों नहीं बताया कि गैर कानूनी है? हमने जब इस पर अपने सब ये कायम कर लिया, हमने इस पर मेहनत करी, हमारी जो वैल्यू बन गई है, तो इसके बाद में ये तोड़ के ये अपने कामों में लाना चाहते हैं। इस पर जो जो मुलब्बत है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया, और हमें इस वक्त के हिसाब से इसका मुआवजा अदा कर किया जाए। अच्छा दोस्तों, ये जो अभी बातचीत की आपने सुनी उनकी बात दुकानदारों की, तो अब जो है आगे चल के हम आपको दुकान भी दिखाते हैं, दुकानें दिखाते हैं जो कि मलिया मेट हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है, आगे चलते हैं और इनकी दुकानें जो मलिया मेट हो चुकी हैं वो दिखाते हैं।